अब वाहन चलाने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि अगर आपकी कार या बाइक में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर या प्लेट नहीं लगी है तो आप मोटा चालान भरने के लिए तैयार रहिए। जी हाँ, अगर आपको 10,000 रुपए तक का चालान भरना पड़ेगा, साथ ही नौबत आने पर आपका वाहन भी सीज किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्रवाई आज यानी कार्रवाई लागू हो गई है। बता दें कि इस नंबर प्लेट को अभी सभी वाहनों में लगाना अनिवार्य है। इस नंबर प्लेट में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा 7 अंकों का यूनिक लेजर कोड होता है। इसे आसानी से हटाया या मिटाया नहीं जा सकेगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अवधि 15 फरवरी को समाप्त हो गई है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रही है। जी हां, जिनमें यह नंबर प्लेट नहीं लगी होगी वहां HSRP वाले वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही यातायात विभाग निर्देश का पालन करेगा और बिना HSRP वाले वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बता दें कि सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ARTO प्रशासन ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में लगभग 7 लाख कारें पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि लगभग 80% पंजीकृत कारों में HSRP लगवा ली गई है, लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर आज से चालान कटेगा। साथ ही 15,042 वाहनों में अब तक HSRP नहीं लगाई गई है। पहली बार में 5,000 रुपए, दूसरी बार में 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि तीसरी बार में वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। वहीं अगर आपकी नई नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो बुकिंग रसीद दिखाने का पर चालान आपका नहीं कटेगा।